बच्चों, पिछले कुछ अध्यायों में हमने देखा कि देश की अर्थव्यवस्था के तीन आधार हैं, यानी कि तीन ऐसे अलग अलग क्षेत्र हैं जहां से देश की अर्थव्यवस्था चलती है, जिनके विकास करने से देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है, लोगों को रोजगार मिलता है, प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है और उसके साथ साथ राष्ट्रीय आय भी बढ़ती है। इसलिए ही इन तीनों क्षेत्रों को अर्थव्यवस्था का आधार कहा गया। तो पिछले अध्याय में हमने अर्थव्यवस्था के एक आधार यानी कि कृषि क्षेत्र के बारे में जाना। हमने देखा कि किस प्रकार कृषि अपना विकास करते करते एक ऐसी स्थिति में आ गई जिससे वो देश के जीडीपी में एक बड़े हिस्सेदारी के रूप में सामने आई। देश की आज़ादी से लेकर आज तक की स्थिति कृषि की क्या रही, इसके बारे में हमने जाना। हमने देखा कि किस प्रकार कृषि के अलग अलग क्षेत्रों का देश के विकास में, देश की अर्थव्यवस्था में, जीडीपी में योगदान रहा। बिल्कुल ऐसा ही इतिहास कुछ अर्थव्यवस्था के दूसरे आधार यानी कि उद्योग का भी रहा। उद्योगों की अगर हम बात करें तो आज़ादी के समय देश में जो उद्योग थे वो बहुत ज़्यादा विकसित नहीं थे, बहुत सारी समस्याएं थी, बहुत सारे जो हमको कच्चे माल की ज़रूरत थी देश में उद्योगों को चलाने के लिए, वो भी हमारे देश में नहीं थे। जो उद्योग थे वो भी काफ़ी बीमार रुग्ण पड़े हुए थे। बहुत प्रयास करने के बाद भी इन उद्योगों का विकास उतना नहीं किया जा सका जिससे देश की जो आवश्यकताएं हैं, चाहे वो रोजगार संबंधी हो, चाहे वो खाद्यान्न संबंधी हो या अन्य वस्तुओं के उपभोग से संबंधी हो, उनको पूरा नहीं किया जा सका। हाँ, लेकिन देश के आज़ादी के बाद लगातार एक विकासशील देश का सफ़र जब शुरू हुआ तो उद्योगों ने धीरे धीरे गति पकड़ी। सबसे पहली बात तो ये महत्वपूर्ण थी कि छोटे छोटे उद्योगों का विस्तार करना, उनका विकास करना ज़रूरी था, क्योंकि देश की लगभग 80% जो जनसंख्या थी वो कृषि पर निर्भर थी, जैसे कि पिछले अध्याय में हमने देखा। लेकिन कृषि से पर्याप्त आय न मिल पाना या एक दूसरी समस्या जिसके बारे में हमने जाना, मॉनसून की अनिश्चितता के कारण कृषि से उतना उत्पादन नहीं मिल पाया जिसकी अपेक्षा हमने की। एक महत्वपूर्ण कारण ये भी था कि खेती में आवश्यकता से ज़्यादा लोग नियोजित थे या काम कर रहे थे, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिसके कारण धीरे धीरे लोग उद्योगों की तरफ आकर्षित होने लगे। और जैसे जैसे लोग उद्योगों की ओर आकर्षित होने लगे, उद्योग के विकास का क्रम वहीं से प्रारंभ हो गया। अब क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उद्योग में आना चाहते थे, कृषि का काम छोड़ के खेतों का काम छोड़ के उद्योगों में काम करना चाहते थे, कहीं ना कहीं छोटे छोटे गांव के लोग उद्योग धंधों के रोजगार की तलाश में बड़े शहरों की ओर मुड़ने लगे। यहां से उद्योगों के विकास का क्रम जब चालू हुआ तो सरकार ने कई ऐसी नीतियां बनाई जिससे इन छोटे छोटे उद्योगों का विकास किया जा सके। यानी सबसे पहले फोकस किया गया कि जो छोटे उद्योग हैं, जिन्हें हम कुटीर उद्योग या लघु उद्योग कहते हैं, उनका विकास, उनका विस्तार किया जाए। इसका लाभ गांव की एक बड़ी जनसंख्या को मिल पाया। गांव के लोग खेती के साथ साथ अब उद्योग धंधों से भी जुड़ने लगे और कहीं ना कहीं उनके आर्थिक विकास के साथ साथ देश का आर्थिक विकास भी संभव हो पाया। लेकिन फिर भी उतनी अच्छी स्थिति को हम नहीं पा सके जितनी हमको ज़रूरत थी। केवल लघु उद्योग या कुटीर उद्योगों का विकास कर देना ही पर्याप्त नहीं था, कुछ बड़े उद्योगों का विकास करना भी ज़रूरी था,
ताकि इन कई ऐसे जो उसके सहायक उद्योग हैं, जो छोटे उद्योग हैं, उनके लिए कच्चा माल मिल सके। बड़े उद्योगों की अगर हम बात करें तो उस समय बिजली, लौह इस्पात या सीमेंट से संबंधित जो उद्योग थे उनकी संख्या काफ़ी कम थी। अब यहाँ पर देश के सामने एक सबसे बड़ी चुनौती थी कि इन बड़े उद्योगों का विकास या विस्तार कैसे किया जाए। सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर थी पूंजी की, क्योंकि आज़ादी के तुरंत बाद जब इस तरह के प्रयास किए गए तो केवल उद्योग में नहीं बल्कि बहुत सारे क्षेत्र ऐसे थे, चाहे हम शिक्षा की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें या कृषि की बात करें, परिवहन की बात करें, सभी क्षेत्रों के विकास के लिए पूंजी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। और उद्योगों की अगर हम बात करें तो पूंजी के अभाव में, पूंजी के ना होने के कारण, सरकार के पास पैसा ना होने के कारण उन उद्योगों का विकास और विस्तार काफ़ी धीमा था। ऐसे कंडीशन में ज़रूरत थी कि कोई ऐसी आर्थिक नीति लाई जाए जिससे इन उद्योगों का विकास और विस्तार हो सके। एक और जहां हमने बात की कि 80% जनसंख्या जो कृषि कार्यों में लगी हुई थी उनका उद्योग धंधों की तरफ मूव कर लेना कहीं ना कहीं उद्योगों के लिए भी चैलेंज था, सरकार के लिए भी चैलेंज था कि उन उद्योगों को चलाया जाए, उनका विकास किया जाए और जो लोग उद्योगों के माध्यम से रोजगार चाहते हैं उनको रोजगार मिल सके। हालांकि कुटीर उद्योग और लघु उद्योग के विकास ने देश की अर्थव्यवस्था में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया। अगर हम यहाँ पर इनके आंकड़ों पर एक नज़र डालें तो इन उद्योगों से जीडीपी की अगर हम बात करें तो 1950-51 से लेकर सन 2009-10 इन 60 वर्षों में इन उद्योगों ने जीडीपी में लगभग अपना 17% योगदान जो था उसको बढ़ाकर 2009-10 में लगभग 28% कर दिया। तो कहीं ना कहीं विकास का एक क्रम जारी तो था, चल तो रहा था। यहीं पर अगर हम बात करें रोजगार की तो इन उद्योगों में या इन उद्योगों से मिलने वाले रोजगार की जो भागीदारी थी उस पर अगर हम एक नज़र डालें तो हम देखते हैं कि 11% से बढ़कर लगभग 22% इनकी भागीदारी लोगों को रोजगार देने में हो गई। तो कहीं ना कहीं जो काम किया जा रहा था, विकास के लिए जो कार्य किया जा रहा था, वो सार्थक तो था, लेकिन फिर भी उसी स्पीड में देश की जनसंख्या बढ़ रही थी, उसी स्पीड में रोजगार की मांग बढ़ रही थी, उत्पादित वस्तुओं की मांग भी उसी स्पीड में बढ़ रही थी। अब यहाँ पर जो एक्सपेक्टेड था, जो अपेक्षा की गई उत्पादन उद्योग से, चाहे वो वृहद पैमाने के बड़े उद्योग हों चाहे लघु उद्योग, उनसे जो अपेक्षाएँ थी वो अभी भी पूरी नहीं हो पा रही थी। इस ग्राफ में रेखा ओ एक्स अक्ष पर जहां वर्ष दिए गए हैं 1950-51 और 2009-10, वहीं रेखा ओ वाई अक्ष पर जीडीपी का प्रतिशत दिया गया है और रोजगार में हिस्सेदारी का प्रतिशत दिया गया है। जैसे कि हमने देखा यहां पर वर्ष 1950-51 के लिए जो नीला कॉलम है वो जीडीपी में हिस्सेदारी को दर्शा रहा है और लाल जो कॉलम है वो रोजगार में हिस्सेदारी को दर्शा रहा है। हमने देखा कि 1950-51 में जहां रोजगार और सकल घरेलू उत्पाद में औद्योगिक क्षेत्रों की भागीदारी के अंतर्गत जीडीपी की भागीदारी 17% थी और रोजगार 11% मिल रहा था, वहीं 2009-10 में जीडीपी में भागीदारी 28% और रोजगार में भागीदारी बढ़कर 22% हो गई। यानी यहाँ पर कुछ ऐसे उद्योगों की आवश्यकता महसूस की जाने लगी जिनको हम आधारभूत उद्योगों के नाम से जानते हैं, यानी जिन उद्योगों से हमको अन्य उद्योगों के लिए कच्चा माल मिलता है।
जैसे बिजली के संयंत्र, खनिज, कई प्रकार की धातुएं। इस तरह के जो उद्योग थे वो ऐसे उद्योग थे जिनसे कई बड़े उद्योगों को कच्चा माल मिल सकता था। अगर इन आधारभूत उद्योगों की स्थापना कर दी जाती तो शायद बड़े उद्योगों के विकास में तेजी आ जाती। लेकिन एक सबसे बड़ी समस्या ये थी कि एक तो इन उद्योगों की स्थापना के लिए बड़ी मात्रा में पूंजी की जरूरत थी, जिसे कि हमने पहले भी जाना। दूसरी एक बड़ी समस्या थी कि इनके स्थापना से लेके चालू करने तक में एक लंबा समय लगता। एक उदाहरण के तौर पे हम देखें तो बिजली संयंत्र की अगर एक स्थापना करनी है तो 5 से 10 साल तो स्थापना करने में ही लग जाते हैं, और एक बड़ी पूंजी की जरूरत जो थी वो अलग। अब इन समस्याओं के समाधान के लिए बहुत सारे सुधारों की जरूरत थी, यानी कुछ जैसे कि हमने औद्योगिक नीतियों की बात की तो उन नीतियों में बहुत सारे सुधार की जरूरत थी। यहां से शुरू होता है उद्योगों के क्षेत्र में सुधारों का दौर। अब क्योंकि आधारभूत उद्योगों की स्थापना करना बहुत जरूरी था, साथ में क्योंकि एक बड़ी जनसंख्या लघु और कुटीर उद्योगों में भी नियोजित थी, वो वहां से रोजगार प्राप्त कर रहे हैं, तो उनका भी विकास करना जरूरी था। दूसरा, विकास के साथ साथ इन उद्योगों को संरक्षण प्रदान करना भी जरूरी था, उनको बचाए रखना, उनको सुरक्षित रखना भी जरूरी था। ऐसे कंडीशन में प्रयास किया गया कि लघु और कुटीर उद्योगों का जो क्षेत्र है वो अलग कर दिया जाए, कुछ उत्पादन, कुछ वस्तुओं का जो उत्पादन था वो लघु और कुटीर उद्योगों तक सीमित कर दिया गया। जैसे हम अभी भी देखते हैं हैंडलूम हथकरघा उद्योग जो है वो लघु और कुटीर उद्योगों तक ही सीमित है। इसका एक बड़ा कारण ये था कि अगर बड़ी कंपनियों को, अन्य निजी कंपनियों को इसमें आने की अनुमति दी जाए तो इन छोटे उद्योगों को इन बड़ी कंपनियों से कंपटीशन करना पड़ेगा, प्रतिस्पर्धा करना पड़ेगा, और शायद ये छोटे उद्योग उन बड़ी कंपनियों के सामने, बड़े उद्योगों के सामने टिक ना पाए और समाप्त हो जाए। अगर ऐसा हुआ तो इन उद्योगों में, इन कुटीर और लघु उद्योगों में जो एक बड़ी जनसंख्या, एक बहुत सारे लोगों की का जो समूह रोजगार प्राप्त कर रहा है, शायद उसका रोजगार छिन जाए। तो इन सब समस्याओं से बचने के लिए एक तो लघु और कुटीर उद्योगों के उत्पाद निश्चित कर दिए गए, पृथक कर दिए गए, अलग कर दिए गए। बड़े उद्योग जो थे उनसे कंपटीशन में ये हार ना जाए या परेशानी ना हो जाए, बंद ना हो जाए, इसलिए बड़े उद्योगों के लिए जो व्यवस्था थी उद्योगों को लगाने की, चालू करने की और चलाए रखने की, उसमें थोड़ी सी जटिलता लाई गई। यानी लाइसेंसिंग प्रणाली लागू करने के साथ साथ ऐसे बहुत सारे नियम बना दिए गए जिससे इन बड़े व्यापारों को की जो प्रतिस्पर्धा है उनसे छोटे व्यापारी जो है, छोटे उद्योग जो है वो प्रभावित ना हो, बंद ना हो। हालांकि ये व्यवस्था ला तो दी गई लेकिन इसके अच्छे प्रभाव भी पड़े, कुटीर उद्योग लगातार तरक्की करते गए, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो बड़े उद्योग थे उनमें एक विपरीत परिस्थिति बनने लगी, उनको परेशानियां होने लगी। आइए देखें कि इस नीति से बड़े उद्योगों के सामने कौन कौन सी समस्याएं खड़ी हो गई। सबसे पहली समस्या तो आ गई जटिलता की। जब लाइसेंसिंग व्यवस्था लागू की गई तो बहुत सारे ऐसे फॉर्मेलिटीज आ गए, बहुत सारे ऐसे नियम कानून आ गए जिससे बड़े व्यापारी जो थे वो कहीं ना कहीं कोई नया उद्योग स्थापित करने में हिचकिचाने लगे, घबराने लगे, क्योंकि इतनी सारी फॉर्मेलिटीज उनके सामने थी लाइसेंसिंग के लिए। एक जो दूसरी महत्वपूर्ण समस्या आई वो थी कागजी कार्यवाही की। अब जाहिर सी बात है कि लाइसेंसिंग व्यवस्था के द्वारा ये शुरू किया जाने लगा सारा बड़ा उद्योग, तो कागजी कार्यवाही जो थी वो कहीं ना कहीं बढ़ गई। बहुत सारे फॉर्मेलिटीज पूरे करने के बाद ही एक व्यापारी उद्योग को स्थापित कर पा रहा था, तो एक ये बहुत बड़ी समस्या आ गई।
तीसरी समस्या ये आई कि कुछ बड़े प्रभावशाली जो उद्योगपति थे वो तो इन सब फॉर्मेलिटीज को अपने प्रभाव से पूरा कर लेते थे, लेकिन छोटे व्यापारी जो थे जिनके जिनके लिए हम कह सकते हैं कि बहुत हाई फाई जिनके अप्रोचेस नहीं थे, वो कहीं ना कहीं पीछे होते गए या वो कहीं ना कहीं इन बड़ों उद्योग की स्थापना से अपने हाथ उन्होंने पीछे खींच लिए, ये एक समस्या आई। साथ ही देखा गया कि जो छोटे उद्योग थे वो पिछड़ते गए, क्योंकि इतनी फॉर्मेलिटीज चाहिए, इतनी कागजी कार्यवाही चाहिए, बड़े व्यापारियों से प्रतिस्पर्धा करना है, तो कहीं ना कहीं उनको पूंजी की ज़रूरत थी जो कि पूरी नहीं हो पाई, और लगातार ये जो छोटे व्यापारी थे वो पिछड़ते चले गए। एक समस्या ये भी देखने को मिली कि बहुत ज़्यादा तकनीकी विकास यहाँ पर नहीं हो पाया, क्योंकि आर्थिक नीति के तहत बहुत सारे ऐसे नियम बनाए गए जिससे तकनीकों के आयात निर्यात पे भी रोक लगा दी गई, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ ऐसी थी जिससे टेक्निकल प्रोग्रेस जो था उद्योगों का वो पिछड़ता गया। एक महत्वपूर्ण बात ये आई कि उत्पादन की मात्रा को सीमित कर दिया गया था, यानी एक व्यापारी किसी वस्तु का कितना उत्पादन करेगा ये अब सरकार निश्चित कर रही थी। तो कई बार ऐसा हुआ कि क्षमता होते हुए भी व्यापारियों को अपना उत्पादन जो था वस्तुओं का वो सीमित रखना पड़ा। यहाँ पर जो बड़े कारखाने बड़ी कंपनियाँ थी वो घाटे में जाने लग रही थी। साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण बात ये हुआ कि शुरू में इन नीतियों के कारण औद्योगिक विकास बहुत तेजी से एक बार तो हुआ, लेकिन ये जो समस्याएं थी इन समस्याओं के कारण धीरे धीरे फिर ये विकास कम होता गया। धीरे धीरे जहां रोजगार बढ़ रहा था अब वो रोजगार लोगों से छिनता गया, कम होता गया। इसका सबसे बड़ा परिणाम ये हुआ कि जो कंपनियाँ स्थापित की गई थी धीरे धीरे वो घाटे में चलने लगी, घाटे में चलने के कारण धीरे धीरे वो बंद होने लगी। देश के सामने बहुत सारी बीमार पड़ी औद्योगिक इकाइयाँ थीं जिनके लिए कोई महत्वपूर्ण कार्य कोई महत्वपूर्ण कदम नहीं उठाया जा सका। एक जो अपेक्षा थी एक रोजगार लोगों को मिलेगा, अच्छा उत्पादन अच्छे वस्तु का उत्पादन उसका उपभोग हमारे देश के लोग कर सकेंगे, ये अपेक्षाएं कहीं ना कहीं अधूरी रह गई, और इन सब की वजह से कहीं ना कहीं पूंजी की समस्या और बेरोजगारी की समस्या देश पर हावी होती गई। तो सुधारों का ये दौर कुछ इस तरह चला कि एक बार तो लगातार छोटे उद्योग और बड़े उद्योग दोनों में सुधार आया, लेकिन क्योंकि हर नीति सफल हो जाए ऐसा संभव नहीं है, कहीं ना कहीं विकास का ये जो क्रम था वो धीमा पड़ गया, बहुत सारी कठिनाइयां सामने आईं और वापस हमको उन्हीं विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। ऐसा नहीं है कि इन समस्याओं से निपटने के लिए कोई प्रयास नहीं किए गए, ये जो समस्याएं छोटे और बड़े दोनों तरह के उद्योगों के सामने थी इनको हल करने के लिए बाद में औद्योगिक नीति 1990 के दशक में लाई गई, इसके काफी अच्छे परिणाम देखने को मिले। एक बात अगर हम करें इन औद्योगिक नीतियों की, इसमें क्या अच्छी बात थी और इससे क्या लाभ हुआ, क्या पॉजिटिव हमको मिला इन नीतियों से, तो सबसे पहले हमने देखा कि उदारीकरण की नीति जो अपनाई गई, यानी पहले हमने देखा कि बहुत सारी कठिनाइयां आ रही थी उद्योगों को स्थापित करने में, अब उन कठिनाइयों से निपटने के लिए जो नई औद्योगिक नीति लाई गई उसके तहत जो बंद पड़े कारखाने थे वो फिर से चालू हुए, और साथ साथ कुछ नए उद्योगों की स्थापना भी हुई। यहीं पर हमने देखा कि कुछ वस्तुओं के आयात और निर्यात पर जहां अब तक सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया था अब उन आयात निर्यात पर लगे प्रतिबंधों को हटा दिया गया। एक महत्वपूर्ण बात यहां ये देखने को मिली कि बहुत सारे क्षेत्र ऐसे थे
जो सार्वजनिक सरकार के द्वारा जो स्थापित थे, और क्योंकि वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई समस्या के कारण बंद पड़ गए थे, उनको निजी क्षेत्रों के हाथ में दे दिया गया और उनको फिर से चालू करने का प्रयास किया गया। यहीं पर लाइसेंसिंग प्रणाली की अगर हम बात करें तो हमने देखा कि लाइसेंसिंग प्रणाली के बहुत सारे दुष्प्रभाव देखने को मिले थे। तो यहाँ लाइसेंसिंग प्रणाली की जो व्यवस्था थी वो समाप्त कर दी गई। एक महत्वपूर्ण बात ये भी देखने को मिली कि बहुत सारे क्षेत्र ऐसे थे, सुरक्षा क्षेत्र जो थे, जिनको सरकार ने अपने अंडर में रखा था अभी तक, वहाँ पर कुछ क्षेत्रों में बड़ी जो कंपनियाँ थीं उनके लिए छूट दे दी गई, उन कंपनियों को भी इन सुरक्षा क्षेत्रों में आने का एक मौका दिया गया। एक महत्वपूर्ण बात यह थी कि घाटे के जो उद्योग थे, जैसे कि हमने देखा सरकारी जो उद्योग थे घाटे के, उनको निजी कंपनियों से मिला दिया गया, निजी कंपनियों को उसमें हिस्सेदारी दी गई और फिर से उन क्षेत्रों को चालू कर दिया गया। और ऐसे बहुत सारे उदारवादी तरीके सरकार ने अपनाए जिससे ये जो परेशानियाँ हो रही थी बड़े और छोटे उद्योगों के स्थापना में, संचालन में और उनको बनाए रखने में, उनको संरक्षण देने में, इन सभी समस्याओं से निजात पा लिया गया। अब क्योंकि उद्योग धंधे तेजी से बढ़ रहे थे, विकसित हो रहे थे, ऐसे कंडीशन में सबकी एक्सपेक्टेशन थी कि रोजगार भी बढ़ेगा, उद्योगों की संख्या बढ़ेगी तो उसी के अनुपात में रोजगार भी हमको मिलेगा। लेकिन शायद किसी ना किसी कारण से ऐसा हुआ नहीं। उद्योग तो बढ़े, बहुत ज़्यादा बढ़े, लेकिन इन उद्योग से मिलने वाले रोजगार की जो उम्मीद थी वो कहीं ना कहीं धरी रह गई। इन सब के पीछे एक जो महत्वपूर्ण कारण था वो ये था कि औद्योगिक विकास में तकनीकी विकास को जब जोड़ा गया, टेक्निक का जब प्रयोग किया गया, तो सभी उद्योगों में बहुत ज़्यादा मशीनों का प्रयोग किया जाने लगा, यानी मशीनीकरण का एक दौर आ गया। यानी 10 मजदूर जिस एक काम को करते थे उसी एक काम को अब एक मशीन बहुत कम समय में कर देती है। ऐसे कंडीशन में रोजगार जिनको प्राप्त हो रहा था उन मजदूरों की भी छटनी होने लगी। यहाँ हम नए रोजगार की बात कर रहे हैं। तो मशीनीकरण के इस दौर में उद्योग तो बढ़े लेकिन इन उद्योगों से मिलने वाला जो रोजगार था वो अपेक्षाकृत कम होता गया। यहाँ हम अगर बात करें उद्योगों के उपक्षेत्रों की, तो ये जो हमने समस्या देखी कि उद्योग के साथ साथ रोजगार नहीं बढ़ा, यानी उद्योग के साथ रोजगार कैसे बढ़े, इस पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए अगर हम इनके उपक्षेत्रों की बात करें तो हम देखते हैं कि इन उद्योगों के कुछ ऐसे उपक्षेत्र हैं जिनके आधार पर हम जिनके अगर स्थापना कर दी जाए तो हम ये कह सकते हैं कि रोजगार भी इनसे बढ़ेगा। इन्हीं उपक्षेत्रों में हम बात करते हैं विनिर्माण यानी कि मैन्युफैक्चरिंग की। बहुत सरल शब्दों में अगर हम कहें तो कुछ क्षेत्र जिसे हमने पहले भी देखा आधारभूत क्षेत्रों के अंतर्गत हम जिनकी बात करते हैं, जैसे बिजली, गैस, जल आपूर्ति, खनिज संसाधन, ये सारे जो उद्योग हैं विनिर्माण के क्षेत्र में आते हैं। सीधे सीधे शब्दों में अगर हम इसको समझें तो उद्योग यानी कि एक ऐसा क्षेत्र जहाँ किसी भी वस्तु का हम रूप परिवर्तन कर दें, बदल दें, उसमें हम किसी भी प्रकार का रासायनिक या भौतिक परिवर्तन कर दें, तो पहले जो वस्तु थी उसको और अधिक उपयोगी बनाया जा सकता है। जैसे हमने उद्योगों के अंतर्गत पहले भी पढ़ा था कि अगर किसी वस्तु का अगर आकार प्रकार हम चेंज कर दें, उसके भौतिक रूप से हम उसको परिवर्तित कर दें, तो वो पहले से अधिक उपयोगी हो जाती है। अगर हम बात करें नदियों के किनारे पड़ी रेत, उनको अगर हम स्थान परिवर्तन के द्वारा उपयोगी बना दें,
लकड़ियां जो कुछ टेढ़े मेढ़े आकार में कटी पड़ी हैं, उनको हम रूप परिवर्तन करके, उनका आकार परिवर्तन करके फर्नीचर बना दें। तो इस प्रकार के जो विनिर्माणी उद्योग हैं वो कहीं ना कहीं रोजगार प्रदान कर पाने में सहायक सिद्ध होंगे। एक अगर हम बात करें इनके जीडीपी में योगदान की, तो हमने देखा कि 2009-10 में ये जो उद्योग थे इनकी हिस्सेदारी जीडीपी में जहां 16% थी, वहीं लगभग इनमें 5 करोड़ लोग नियोजित थे। यानी कहीं ना कहीं यह उपक्षेत्र अर्थव्यवस्था के विकास में उतना ही महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं जैसे कि मुख्य उद्योग दे रहे हैं। ये जो विनिर्माण क्षेत्र है, देखा जाए तो ये किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का आधार माने जाते हैं। और जैसे कि हमने देखा कि इन विनिर्माण क्षेत्र के उद्योगों का देश की जीडीपी में भी एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। यहीं पर अगर हम बात करें इन विनिर्माण उद्योगों की, तो एक ग्राफ के द्वारा, एक टेबल के द्वारा आइए हम इसको और अच्छे से समझने का प्रयास करें। इस्पात का उत्पादन जानने के लिए इस आरेख में हम देख रहे हैं कि रेखा ओ एक्स पर वर्ष दिए गए हैं और रेखा ओ वाई पर उत्पादन दिया गया है जो कि लाख टन में है। हमने देखा कि जहां 2007-08 में इस्पात का उत्पादन 50 लाख टन था, वहीं ये 2008-09 में बढ़कर 59 लाख टन हो गया। 2009-10 में इस्पात का उत्पादन बढ़कर 65 लाख टन हो गया। 2011-12 में इस्पात का उत्पादन फिर से बढ़ के 70 लाख टन हो गया और 2011-12 में इस्पात का उत्पादन और बढ़कर 72 लाख टन हो गया। इन विनिर्माण उद्योगों की अगर हम बात करें तो खाद्य प्रसंस्करण यानी कि फूड प्रोसेसिंग प्लांट जो है, वस्त्र उद्योग जो है जिन्हें हम टेक्सटाइल मिल कहते हैं, और तीसरा अगर हम देखें तो इन्हीं में जुड़ा हुआ होता है लौह इस्पात संयंत्र। ये कुछ ऐसे विनिर्माण उद्योग हैं जिनके विकास के साथ साथ देश के अन्य बड़े और छोटे उद्योगों का विकास जुड़ा हुआ रहता है। यहीं पर अगर हम बात करें खाद्य प्रसंस्करण यानी फूड प्रोसेसिंग की, तो एक बड़ा योगदान देश के उद्योगों के विकास में ये देता है, साथ ही रोजगार में भी एक बड़ा योगदान देता है लोगों को रोजगार देने के लिए। लौह इस्पात की भी स्थिति काफी अच्छी कही जा सकती है, लेकिन वस्त्र उद्योगों की अगर हम बात करें तो ये एक ऐसा क्षेत्र है जो पूरी तरीके से आत्मनिर्भर है हमारे देश में। यानी हमको किसी अन्य देशों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है वस्त्र उद्योगों के लिए, इनके कच्चे माल के लिए। यहाँ अगर हम देखें तो खाद्य प्रसंस्करण यानी फूड प्रोसेसिंग सिस्टम जो है 2007 से लेकर 2011-12 तक इनमें रोजगार की स्थिति किस प्रकार रही, आइए इस पर एक नजर डालें। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में रोजगार की स्थिति इस तालिका में दिखाई गई है। पहला, वर्ष 2007-08 में रोजगार 15 लाख, वर्ष 2008-09 में रोजगार 15.5 लाख, तीसरा, वर्ष 2009-10 में रोजगार 16 लाख, चौथा, वर्ष 2010-11 में रोजगार 16.5 लाख, पांचवा, वर्ष 2011-12 में रोजगार 17.75 लाख रहा। इस तालिका को अगर हम ग्राफ के द्वारा प्रस्तुत करें तो हम देखते हैं कि रेखा ओ एक्स अक्ष पर वर्षों की संख्या, वर्ष अंकित किए गए हैं और रेखा ओ वाई पर रोजगार दिए गए हैं लाखों में।
तालिका के आधार पर हम देखते हैं कि वर्ष 2007-08 में रोजगार 15 लाख था, 2008-09 में रोजगार बढ़कर 15.5 लाख हो गया, वर्ष 2009-10 में फिर से रोजगार बढ़कर 16 लाख हो गया, वर्ष 2010-11 में रोजगार बढ़कर 16.5 लाख हो गया और वर्ष 2011-12 में रोजगार बढ़कर 17.75 लाख हो गया। इस प्रकार इस ग्राफ से यह स्थिति स्पष्ट हो जाती है कि लगातार 2007 से 2012 में इन उद्योगों से मिलने वाले रोजगार बढ़ते गए। तो हमने देखा कि किस तरह इन उद्योगों के विकास और विस्तार के साथ जहां एक और रोजगार की बहुत सारी संभावनाएं हमको देखने को मिली, बहुत से जैसे हमने पहले भी देखे आंकड़े कि रोजगार का जो प्रतिशत था उसमें काफ़ी वृद्धि भी हुई, उद्योग से न केवल आर्थिक विकास को बढ़ावा मिला बल्कि सामान्य लोगों की अगर हम बात करें तो उनका जनजीवन भी पहले से काफ़ी सुधरा। लेकिन कहीं ना कहीं हम जैसे कि सुनते हैं कि विकास के साथ साथ कई बार विनाश भी जुड़ा होता है, तो इस औद्योगिक परिदृश्य की चुनौतियों या इनके एक नकारात्मक क्षेत्र की अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि जहां एक ओर लोगों के जीवन स्तर में सुधार आया है, उनकी आय बढ़ी है और रोजगार प्राप्त करने के बाद वो अपनी अनिवार्य आरामदायक और विलासिता सभी आवश्यकताओं को पूरा कर पा रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर इन उद्योगों के कुछ दुष्परिणाम देखने को मिले जिसका सीधा सीधा असर हम सब पे पड़ा है। बहुत छोटी क्लासों में हमने पढ़ा होगा कि किस प्रकार उद्योगों से निकलने वाले धुएं से, उद्योगों से जो गंदा पानी निकलता है, जो गंदी गैसें निकलती हैं जहरीली, उनसे कैसे पूरी की पूरी जलवायु प्रदूषित होती है। हमने देखा कि बड़े औद्योगिक क्षेत्रों में जो चिमनियाँ होती हैं उनसे जो काला धुआं निकलता है, आप देखते होंगे कि वो पूरे आसपास के क्षेत्रों में बिछ गया होता है और इस डस्ट में, इस धुएं में जो केमिकल्स होते हैं वो हम सबके शरीर के लिए कहीं ना कहीं बहुत हानिकारक होते हैं। जब कभी भी आप किसी औद्योगिक क्षेत्र से गुजरते होंगे तो आप देखते होंगे कि वहाँ की जो जलवायु होती है वो कितनी प्रदूषित, काला धुआं जो होता है वो स्वास्थ्य के लिए कितना हानिकारक होता है। बिल्कुल ऐसे ही इन औद्योगिक क्षेत्रों के आसपास जो तालाब होते हैं, जो नदियां होती हैं, उनमें इन औद्योगिक क्षेत्रों का जो गंदा पानी होता है, जो केमिकल युक्त पानी होता है, वो जाकर जब मिल जाता है तो वो पानी पीने लायक तो क्या, अन्य कोई घरेलू काम करने लायक भी नहीं रह जाता है। कई बार हम देखते हैं कि इन पानी को और जो कारखानों से निकलने वाला पानी है वो जब तालाब के पानी में मिल जाता है तो आसपास जो मवेशी होते हैं, पशु पक्षी होते हैं, वो उन पानी को पीने के बाद कई बार मर भी जाते हैं। तो जहाँ एक ओर हम औद्योगिक क्षेत्रों से विकास की बात करते हैं, वहीं दूसरी ओर हम इसके एक विनाश का पहलू भी देखते हैं। लेकिन क्या इन समस्याओं को हल नहीं किया जा सकता? बिल्कुल किया जा सकता है। सरकार ने उद्योग से होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए बहुत सारे नियम बनाए हैं। अगर सभी कल कारखाने, सभी उद्योग सरकार के द्वारा बनाए गए इन सुरक्षा नियमों का पालन करें तो शायद हम उद्योगों की इन समस्याओं को काफी हद तक कम कर सकते हैं। एक बात यहाँ पे ये देख लेना भी जरूरी है, जैसे कि हमने पहले भी देखा कि आवश्यकताएं क्या है इन औद्योगिक क्षेत्रों के विकास की, तो हमने देखा कि उद्योगों के उपक्षेत्र यानी विनिर्माण की इकाइयां अगर बढ़ती हैं तो उद्योगों की संख्या में भी वृद्धि होती है। इन विनिर्माण इकाइयों की स्थापना करना या इनके द्वारा आर्थिक विकास संभव कर पाना और साथ ही देश में लोगों को रोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध करा पाना, ये सारी चीज़ें हैं जिनके कारण हमको उद्योगों पर नियंत्रण न लगाकर
उद्योग से जो हमको नुकसान हो रहा है और उस नुकसान को रोकने के लिए सुरक्षा के जो नियम बनाए गए हैं उनको फॉलो करना ज़्यादा जरूरी है। एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर जब हम उद्योगों की कर रहे हैं तो श्रमिकों की समस्याओं के बारे में भी कुछ हमको जान लेना चाहिए। ऐसे अगर हम देखें तो अपने आसपास हमको कई तरह के लोग काम करते हुए दिखाई देते हैं। श्रमिकों की बात अगर हम करें तो इनको हम दो क्षेत्रों में बांटकर इनकी समस्याओं का अध्ययन कर सकते हैं। एक होता है संगठित क्षेत्र और दूसरा होता है असंगठित क्षेत्र। आइए संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र में अंतर के आधार पर हम इसके जो इसकी मीनिंग है इसको समझने का हम प्रयास करें। वास्तव में अगर हम संगठित क्षेत्र की बात करते हैं तो ये एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ पर रोजगार जो होता है श्रमिकों का वो नियमित होता है। जब वो वहाँ पर काम करते हैं संगठित क्षेत्रों में तो वो अपने आप को बहुत सुरक्षित महसूस करते हैं कि उनका जो रोजगार है वो नियमित रहेगा, वहाँ से उनको बहुत आसानी से हटाया नहीं जा सकता। इसके विपरीत अगर हम असंगठित क्षेत्रों की बात करते हैं तो असंगठित क्षेत्र के जो श्रमिक होते हैं उनका जो रोजगार होता है वो थोड़ा सा अनिश्चित होता है, यानी जब चाहे उनको हटाया जा सकता है। हमेशा वो एक डर में जीते हैं कि कभी उनका जो रोजगार है वो ख़त्म हो सकता है। दूसरा हम इसमें देखते हैं कि जो संगठित क्षेत्र जो होते हैं वहाँ के मजदूरों का, उनके श्रमिकों का कार्य जो होता है वो सुनिश्चित होता है, यानी एक वर्क उनको बता दिया जाता है कि आपको ये काम करना है। लेकिन असंगठित क्षेत्र के जो मजदूर होते हैं उनका कोई सुनिश्चित काम नहीं होता है, कभी भी जरूरत के आधार पर जो मालिक होता है वो उनके काम को बदल देता है। एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि संगठित क्षेत्र जो होते हैं सरकार के द्वारा पंजीकृत होते हैं, बहुत सारे नियम कानून के अंतर्गत वो स्थापित किए जाते हैं। यही कारण है कि यहाँ के श्रमिकों का जो रोजगार होता है वो सुरक्षित होता है अपेक्षाकृत असंगठित क्षेत्रों के, क्योंकि सरकार के द्वारा पंजीकृत ये क्षेत्र नहीं होते हैं। जो भी इनका मालिक होता है, जो भी उद्योगपति होता है, वो अपने सुविधा के अनुसार जब चाहे श्रमिकों को निकाल सकता है या भर्ती कर सकता है। और यही कारण है कि सरकार का इन संगठनों पर किसी प्रकार का नियंत्रण ना हो पाने के कारण, कोई दबाव ना हो पाने के कारण ये उद्योग, इन उद्योगों के मालिक श्रमिकों पर अपनी मनमानी करते हैं। लेकिन संगठित उद्योगों की सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि इन उद्योगों में श्रमिकों को जो वेतन निर्धारित किया जाता है उस वेतन के अतिरिक्त बहुत सारी वैतनिक और अवैतनिक सुविधाएं भी मिलती हैं। जैसे वो छुट्टी वेतन के साथ ले सकते हैं, यानी कि वो छुट्टी भी आसानी से ले सकते हैं, उनको वेतन भी मिलता है। सेवानिवृत्त होने पर उनको पेंशन की भी सुविधा होती है। किसी भी प्रकार के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने पर या किसी तरह से बीमार पड़ जाने पर इलाज का खर्चा भी उनको मिलता है। तो ऐसे बहुत सी सुविधाएं होती हैं जो संगठित क्षेत्रों के मजदूरों को तो मिलती हैं लेकिन असंगठित क्षेत्रों के मजदूरों को नहीं मिल पाती। अब औद्योगिक क्षेत्र के साथ साथ हम इसके दूसरे पहलू यानी सेवा क्षेत्र की बात करें तो हम कुछ आंकड़ों के आधार पर देखते हैं कि पहले से अब सेवा क्षेत्रों का काफ़ी विकास हो चुका है और आर्थिक विकास में इनका अच्छा खासा योगदान देखने को मिल रहा है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि सेवा क्षेत्र में बहुत सारी नई तकनीक आ जाने के कारण इन क्षेत्रों का विकास काफ़ी तेज़ी से हुआ है। इसी के अंतर्गत हम देखते हैं कि मोबाइल, कंप्यूटर या इंटरनेट सेवाएं, ये ऐसी सेवाएं हैं जिनमें वर्तमान में सबसे ज़्यादा विकास की संभावनाएं हैं। आप खुद देखते होंगे कि पहले की अपेक्षा हम अपना काम कुछ अलग तरीके से आज करने लगे हैं। शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, परिवहन हो या कोई भी क्षेत्र हो, सबके सब हाईटेक हो गए हैं। हम टेक्नोलॉजी का प्रयोग इन सभी क्षेत्रों में कर रहे हैं। यहाँ तक कि आप जो वीडियोस देख रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं इन नई तकनीकों से ही बनाया गया है। इंटरनेट के बारे में अगर हम देखें तो आज एक बड़ी जनसंख्या, एक बड़ी आबादी इंटरनेट का प्रयोग कर रही है अपने छोटे छोटे काम को करने के लिए। तो हालांकि सेवा क्षेत्रों में नवीन तकनीक आ जाने से बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं,
लेकिन फिर भी अगर हम बात करें तो जितने स्पीड में सेवा क्षेत्रों का विकास हुआ है उस अनुपात में वो लोगों को रोजगार नहीं दे पाए हैं। कारण बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि हम टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं तो काम तो बहुत सारा हो जाता है, लेकिन लोगों की संख्या अगर हम बात करें कि प्रति व्यक्ति रोजगार की संख्या, तो लोगों की संख्या इसमें बहुत कम है, कम जरूरत पड़ती है, इसलिए ज़्यादा लोगों को ये क्षेत्र रोजगार नहीं दे पाता है। जीडीपी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम एक ग्राफ के आधार से समझ सकते हैं कि सकल घरेलू उत्पाद में सेवा क्षेत्र और रोजगार प्रदान करने का अनुपात क्या है। सकल घरेलू उत्पाद में सेवा क्षेत्र एवं रोजगार की भागीदारी को हम इस ग्राफ की सहायता से समझ सकते हैं। इस ग्राफ में रेखा ओ एक्स अक्ष पर वर्ष दिया गया है और रेखा ओ वाई अक्ष पर जीडीपी दी गई है और रोजगार का प्रतिशत दिया गया है। नीला कॉलम यहाँ जीडीपी को प्रदर्शित करता है और लाल कॉलम रोजगार में हिस्सा दर्शाता है। तो जैसे कि हमने जाना, वर्ष 1950-51 के सकल घरेलू उत्पाद में सेवा क्षेत्र का योगदान 30% था। रोजगार में सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी उन्हीं वर्षों में, यहाँ पे हम जैसे कि देख रहे हैं, 17% थी। तो आपने देखा सेवा क्षेत्र के बारे में, लेकिन जैसे कि हमने बात की कि जिस स्पीड में सेवा क्षेत्रों का विकास हुआ उतनी ही स्पीड में सेवा क्षेत्रों में रोजगार में वृद्धि तो नहीं हुई। क्यों ऐसा हुआ, इसको समझने के लिए हम सेवा क्षेत्र के उपक्षेत्र को समझे। जैसे हमने देखा कि उद्योगों का तेजी से विकास हुआ, उद्योगों की संख्या में वृद्धि हुई, लेकिन उसी अनुपात में रोजगार में वृद्धि क्यों नहीं हुई, इसके लिए हमने इसके बहुत सारे उपक्षेत्र देखे उद्योगों के। अब यहाँ पर भी यही समस्या है कि सेवा क्षेत्रों का विकास हुआ, विस्तार हुआ, व्यापक पैमाने पर हुआ, लेकिन उस स्पीड में रोजगार में विस्तार क्यों नहीं हुआ, इसको समझने के लिए आइए हम इसके उपक्षेत्रों के बारे में जानें। अब सेवा क्षेत्रों के लिए इसके जो उपक्षेत्र होते हैं उसमें बहुत तेजी से परिवर्तन आए, इनको समझने के लिए हम इन उपक्षेत्रों को 3 भागों में बांट कर इसका अध्ययन करेंगे। जैसे कि पहले भाग में हम यहाँ पर शामिल करेंगे व्यापार, होटल, रेस्टोरेंट, परिवहन, भंडारण और इस तरह की जो सुविधाएं हैं। दूसरे उपक्षेत्र में हम शामिल करते हैं बैंकिंग, बीमा और स्थायी संपदा, जिन्हें हम रियल एस्टेट बिजनेस कहते हैं। तीसरा उपक्षेत्र आता है सामुदायिक, सामाजिक या निजी सेवाओं का। तो पहले उपक्षेत्र पर अगर हम चलें तो हम यहाँ पर देखते हैं कि इन सेवाओं में व्यापार की जब बात की गई है तो ये व्यापार किसी भी तरह का हो सकता है, क्रय विक्रय से संबंधित हो सकता है। होटल व्यवसाय की अगर हम बात करें तो इनसे हम सभी परिचित हैं, होटल व्यवसाय जो होते हैं वो भी एक अपना सेवा प्रदान करते हैं। रेस्टोरेंट जो होते हैं वो भी सेवा क्षेत्र के महत्वपूर्ण उपक्रम होते हैं। और इसी तरह से हम देखते हैं परिवहन सेवाओं की अगर हम बात करें तो इनका क्षेत्र काफ़ी विस्तृत और व्यापक होता है। इसके अंतर्गत हम सड़क परिवहन, जल परिवहन, वायु परिवहन सभी को शामिल करते हैं। इन सेवा क्षेत्रों के साथ साथ भंडारण की अगर हम बात करें तो जो खाद्य सामग्रियां हैं उनको सुरक्षित रखने के लिए, इसके अलावा जो बहुत सारे उद्योग हैं उनका जो उत्पादन होता है उनको सुरक्षित करने के लिए भंडारण की फैसिलिटी जो देते हैं, गोडाउन की जो फैसिलिटी देते हैं, जिन्हें हम कई वस्तुओं के लिए कोल्ड स्टोरेज शब्द का भी इस्तेमाल करते हैं, इनकी फैसिलिटी जो प्रोवाइड करते हैं, ये सारे इनके उपक्षेत्रों के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। दूसरा अगर हम देखें इन्हीं सेवा क्षेत्रों के अंतर्गत तो हमको संचार का एक बहुत बड़ा क्षेत्र दिखाई देता है। जैसे कि हमने देखा कि हम लगातार मोबाइल और इंटरनेट सेवाओं का प्रयोग कर रहे हैं, कंप्यूटर के माध्यम से हम सूचनाओं का आदान प्रदान कर रहे हैं, मोबाइल के माध्यम से हम सूचनाओं का आदान प्रदान कर रहे हैं, तो इसमें जो एक बहुत बड़ा समूह बना हुआ है, एक बहुत बड़ी जनसंख्या इसमें जो लगी हुई है, वो जो सेवाएँ प्रदान कर रहे हैं वो सारी की सारी सेवाएँ इन संचार सेवाओं के अंतर्गत आती हैं।
इसी के साथ हम दूसरा एरिया अगर इसका देखें जिसके अंतर्गत हमने बात की, बैंक बीमा सेक्टर की, रियल एस्टेट की, तो बैंकिंग सेवाओं के बारे में जैसे कि हमने पिछले अध्याय में भी देखा था कि किस तरह बैंकों के द्वारा हम अपने जो हमारी जो संपत्तियां हैं, हमारी जो धनराशि है उसको हम सुरक्षित रखते हैं, ज़रूरत पड़ने पर हम विड्रॉल करते हैं, लोन की फैसिलिटी हम बैंकों के माध्यम से लेते हैं और ऐसे कई सुविधाएं हैं जो हम बैंकों से लेते हैं। तो इन क्षेत्रों में, बैंक के क्षेत्रों में जो लोग लगे हुए हैं वो हम ये मानते हैं कि वो सेवा क्षेत्रों में कार्यों पर लगे हुए हैं। बिल्कुल ऐसे ही बीमा के बारे में आपने सुना होगा कि किस प्रकार हम अपने जीवन को सुरक्षित रखने के लिए, संपत्ति को सुरक्षा के लिए, भविष्य में अगर इस तरह से कोई दुर्घटना हो जाए तो उससे एक बड़ी क्षति से बच सकें, इसके लिए हम अपना खुद का, अपनी संपत्ति का, या कोई व्यापारी अगर है, क्रय विक्रय व्यापार कर रहा है तो अपने माल का बीमा करवाता है। तो इस बीमा क्षेत्र में जो लोग नियोजित हैं, जो लगे हुए हैं, वो उनका, उन सभी का सेवा क्षेत्र जो है वो बीमा के अंतर्गत आता है। रियल एस्टेट की अगर हम बात करें तो अब आप देखते होंगे कि पहले हम जो संपत्ति खरीदते थे, पहले हम जब घर खरीदते थे, जमीन जायदाद खरीदते थे, तो हमारा खरीदने का तरीका या सामने वाले का बेचने का तरीका अलग था। अब हम रियल एस्टेट बिजनेस जब से आ गया है तो हम देख रहे हैं कि हम अपनी संपत्तियों को खरीदने के लिए किसी एजेंट से, किसी रियल एस्टेट कोई एम्प्लॉय होता है उससे हम कांटेक्ट करते हैं, फिर वो हमको ज़मीन या मकान दिखाता है और फिर हम अपनी सुविधा अनुसार अपनी संपत्ति का चयन करते हैं। तो रियल एस्टेट के क्षेत्र में भी बहुत बड़ी एक जनसंख्या लगी हुई है, तो इनका सेवा क्षेत्र रियल एस्टेट के अंतर्गत आता है। तीसरे उपक्षेत्र की अगर हम बात करें तो इसमें सामुदायिक सेवाएं, जैसे हमने बात की शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन और वो सारी सुविधाएं जो एक सामान्य जनता को एक सही अच्छा जीवन जीने के लिए ज़रूरी है, वो सारी सेवाएं इसके अंतर्गत आती हैं। सामुदायिक सहभागिता के साथ साथ यहाँ पर हम सामाजिक सहभागिता और निजी सेवाओं को भी इन सेवा क्षेत्रों के अंतर्गत शामिल करते हैं। तो ये तो हमने बात की कि जो सेवा क्षेत्र है उनके उपक्षेत्र क्या क्या होंगे। आइए इन सेवा क्षेत्रों के बदलते हुए स्वरूप पर एक नज़र डालें। बात करें अगर हम सेवा क्षेत्र के अब के स्वरूप पर, तो हमने देखा कि किस प्रकार तकनीकों के लगातार विकास से, यानी नई नई टेक्नोलॉजी आ जाने से सेवा क्षेत्रों का काफ़ी विकास और विस्तार हुआ है, लेकिन इनका सबसे ज़्यादा प्रभाव अगर देखा जाए तो इनके उप क्षेत्रों पर, जैसे बैंकिंग, बीमा, रियल एस्टेट, इस तरह के संस्थाओं पर पड़ा है। और अगर देखा जाए तो यही कारण है कि सेवा क्षेत्र में, जबकि GDP में इसका योगदान लगभग 17% है, वहीं केवल 2% लोग ही इसमें नियोजित हो पा रहे हैं। क्योंकि सीधी सी बात है, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जा रहा है, यानी कम समय में कम लोगों के द्वारा ज़्यादा कार्य आसानी से हो जा रहा है, तो बहुत ज़्यादा लोगों को नियोजित करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। और क्योंकि समय के अनुसार इनकी डिमांड अच्छी खासी है, इसलिए GDP में इनका योगदान अच्छा खासा रहा है। यही हम बात करें 1990 के प्रारंभ में, जब संचार तकनीकें जो थी उनका जो स्वरूप था, और आज हम जिस संचार तकनीक का प्रयोग कर रहे हैं पूरी की पूरी वो टेक्नोलॉजी बेस्ड है। जैसे अगर हम बैंकिंग या बीमा संस्थाओं की बात करें तो पहले हम देखते थे कि इन क्षेत्रों में किसी भी प्रकार का कार्य करने के लिए या इन क्षेत्रों से संबंधित कोई भी सुविधाएँ लेने के लिए हमको इन स्थानों पर जाना पड़ता था। जैसे बैंक में हमको पैसा जमा करने के लिए काफ़ी लंबी लाइन लगानी पड़ती थी, अब हम देखते हैं कि पैसा जमा करने की भी मशीन अवेलेबल है बैंकों में, वैसे ही पैसा निकालने के लिए भी हमको लाइन लगानी पड़ती थी, अब हम ATM का प्रयोग कर लेते हैं। बैंक से संबंधित कोई भी कार्य करने के लिए या खाता खुलवाने के लिए हम बहुत सारी कागजी कार्यवाही करते थे, जो कि अब पूरी तरीके से समाप्त होकर तकनीकों के माध्यम से काफ़ी आसान हो गई। बैंकों में बहुत सारे ऐप के माध्यम से ग्राहकों को सुविधाएं दी जा रही हैं, इन ऐप का प्रयोग करके हम पैसा बैंकों में जमा करना, निकालना, किसी दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफ़र करना और इस तरह की बहुत सी सुविधाओं का प्रयोग घर बैठे मोबाइल या कंप्यूटर के माध्यम से हम कर पा रहे हैं। बिल्कुल ऐसी ही सुविधाएँ हमको बीमा के क्षेत्र में भी मिल रही हैं। तो
एक हम कह सकते हैं कि क्रांतिकारी परिवर्तन से इसने पूरा का पूरा सेवा क्षेत्र का स्वरूप परिवर्तित कर दिया, चेंज कर दिया है। और केवल बैंक या बीमा ही नहीं, अब हम देखते हैं कि जो भी हमारे आवश्यकता के बहुत सारे क्षेत्र थे वो पूरे के पूरे अब तकनीकों पर आधारित हो गए हैं। जिसे अगर हम बात करें शिक्षा की, तो हम देख रहे हैं कि हम घर बैठे अपने सब्जेक्ट की जो विषय वस्तु है उसको हम हमको मिल पा रही है, बहुत अच्छे से हम अपनी परीक्षाओं की तैयारी कर पा रहे हैं। इसी तरह से इंटरनेट में शिक्षा संबंधी बहुत सारी सामग्री भरी पड़ी है जिनको आप अपनी आवश्यकता के अनुसार ढूंढ सकते हैं, उनका उपयोग कर सकते हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में अगर हम देखें तो इंटरनेट के माध्यम से हम काफ़ी सुविधाओं को प्राप्त कर सकते हैं। किसी हॉस्पिटल में नंबर लगाना हो तो पहले हमको वहाँ तक जाना पड़ता था, वेट करना पड़ता था, लेकिन अब हम ऑनलाइन प्रोसेस से इन बड़े बड़े अस्पतालों में अपना नंबर भी लगवा सकते हैं। साथ में चिकित्सा संबंधी बहुत सारी जानकारियाँ हम ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं। परिवहन के क्षेत्र में हम देखें तो हम कितने हाईटेक हो गए हैं। पहले हमको अगर किसी ट्रेन की या बस की टिकट चाहिए होती थी तो हमको रेलवे स्टेशन या बस अड्डा जाना पड़ता था, लेकिन अब हम ऑनलाइन घर बैठे अपने टिकट बुक करा सकते हैं। यहाँ तक कि हम बहुत सारे ऐसे ऐप का प्रयोग करते हैं जिसके माध्यम से हम घर बैठे पता लगा सकते हैं कि जिस ट्रेन में हमको सफ़र करना है उस ट्रेन की तात्कालिक स्थिति क्या है। तो बहुत सारी सुविधाएं ऐसी हैं जो तकनीकों के आने के साथ साथ जिसमें क्रांतिकारी परिवर्तन आए हैं और उसका पूरा का पूरा लाभ हम ले सकते हैं। इन्हीं सेवा क्षेत्र के बदलते हुए स्वरूप में कदम रखा है BPO यानी बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसने सेवा क्षेत्र की जो लिमिटेशन थी, उनकी जो सीमाएं थी, उनको भी काफ़ी विस्तृत कर दिया है। जैसे एक उदाहरण के आधार पर अगर हम BPO को समझें तो मान लीजिए कि एक कॉल सेंटर में कार्यरत एक कर्मचारी अमेरिका की किसी कंपनी के लिए कार्य करता है, उसके लिए सेवाएं देता है। अब अमेरिका का कोई निवासी अपने बैंकिंग संबंधी या अस्पताल संबंधी कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहता है तो डायरेक्ट वो उन बैंकों में अस्पताल में कॉल ना करके इनके जो कॉल सेंटर होते हैं या जिसे हम कह सकते हैं कि एक कस्टमर केयर की तरह जो उसको नंबर प्रोवाइड किए जाते हैं, वो उस नंबर पर कॉल करके जो भी जिससे भी संबंधित उसको जानकारियाँ चाहिए वो उस कॉल सेंटर से ले सकता है। कॉल सेंटर में जो व्यक्ति बैठा हुआ है वो उस व्यक्ति से संबंधित जो भी डेटा उसके पास उपलब्ध है उनको वो कंप्यूटर के माध्यम से निकाल कर जिस व्यक्ति को जानकारी चाहिए उनको वो भेज सकता है। यानी कि डायरेक्ट जहाँ से उसको जानकारी चाहिए वहाँ से ना लेकर उन संस्थाओं द्वारा प्रोवाइडेड जो कॉल सेंटर के नंबर होते हैं उनसे वो जानकारी प्राप्त कर सकता है। कुल मिलाकर सेवा क्षेत्र अपने कार्य को अलग अलग भागों में बांट देते हैं ताकि काम बहुत आसान हो जाए और जो उनके उपभोक्ता हैं उनको भी काफ़ी लाभ मिल सके। अब अगर इन्हीं सेवा क्षेत्रों के चुनौतियों की बात करें तो जैसे कि अब तक हमने देखा कि बहुत सारे उपक्षेत्र होने के बावजूद भी जहां एक ओर GDP में इनका योगदान अच्छा खासा रहा या वृद्धि होती रही, वहीं दूसरी ओर रोजगार में वृद्धि नहीं हुई। तो क्या कारण है इसके और कैसे इन सेवा क्षेत्रों से रोजगार में भी वृद्धि की जाए, ये जान लेना और इसका हल निकाल लेना एक बहुत बड़ी चुनौती है। यहीं पर अगर हम देखें तो एक कारण हमको ये भी दिखाई देता है कि सेवा क्षेत्र में ज़्यादातर अच्छे नॉलेज वाले जो उच्च प्रशिक्षित हम जिनको कहते हैं उनकी ज़रूरत होती है। और हर किसी को इस क्षेत्र में रोज़गार मिल जाए ऐसा संभव नहीं होता है, क्योंकि बात यहाँ पर टेक्नोलॉजी की होती है। तो शायद यही कारण है कि इन क्षेत्रों से लोगों को रोजगार कम मिल पाता है। दूसरी महत्वपूर्ण एक चुनौती यहाँ पर ये भी है कि यहाँ इन क्षेत्रों में जो संगठित क्षेत्र में जो रोजगार के अवसर हैं वो अपेक्षाकृत कम है। जैसे कि हमने देखा कि संगठित क्षेत्र के जो श्रमिक हैं वो काफ़ी सुविधाजनक तरीके से काम करते हैं, सुरक्षित महसूस करते हैं, लेकिन यहाँ पर संगठित क्षेत्र जो है वो असंगठित क्षेत्र की अपेक्षा काफ़ी कम है। एक आंकड़ों पर अगर हम जाएं तो 2009-10 में जो आंकड़े थे वो ये बताते हैं कि संगठित क्षेत्र में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं उनकी संख्या लगभग 30% है, जबकि इसी सेवा क्षेत्र में असंगठित कर्मचारियों का जो वर्ग है वो लगभग 70% है।
तो ये एक बड़ी चुनौती है कि सेवा क्षेत्र को संगठित किया जाए, संगठित समूह जो है उसमें ये सेवा क्षेत्र अपने कार्य करें, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। तीसरा हम देखते हैं कि इन्हीं सेवा क्षेत्रों में एक ठेकेदारी प्रथा भी थोड़ी सी कहीं ना कहीं कठिन दिखाई देती है, जिसमें लोगों को श्रमिकों को नियोजित तो कर लिया जाता है लेकिन वो उस कंपनी या संस्था के कर्मचारी नहीं होते बल्कि वो ठेकेदार के अंदर काम करते हैं और इसका लाभ ठेकेदार को तो पर्याप्त मात्रा में मिलता है या उद्यमी को पर्याप्त मात्रा में मिलता है लेकिन कहीं ना कहीं श्रमिकों के द्वारा यहाँ पर छल किया जाता है, उनको जितना वो काम करते हैं उतनी धनराशि उतना वेतन उनको नहीं दिया जाता। तो ये सेवा क्षेत्र की एक बहुत बड़ी चुनौती है। एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे कि हमने देखा कि इन सेवा क्षेत्रों के बहुत सारे अन्य उपक्षेत्र भी हैं, विनिर्माण और कृषि में भी अगर हम बात करें तो उसके अंतर्गत भी हमको बहुत सारे सेवा क्षेत्र दिखाई देते हैं जिनमें भी जीडीपी की मात्रा पर्याप्त रहती है लेकिन रोजगार की प्राप्ति की मात्रा कम रहती है। जैसे बहुत सी चुनौतियां हैं जिनको हमने स्वीकारा भी है, इसमें सुधार के बहुत सारे काम भी लगातार जारी हैं। इस पूरे अध्याय में हमने देखा कि किस प्रकार उद्योग और सेवा क्षेत्र मिलकर देश के आर्थिक विकास में अपना योगदान दे रहे हैं।